हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश एंड यू आर वॉचिंग एलएलबी स्टडी। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड ए कस्टमर, कि जो बैंकर होता है एंड जो कस्टमर होता है उन दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप, क्या रिश्ता होता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें बताना चाहिए कि बैंकर क्या होता है एंड कस्टमर क्या होता है। तो बैंकर वो सिंपल लैंग्वेज में जो कि बैंक में एक इम्पोर्टेंट जॉब करता है, एंड जो कस्टमर वो जो जिसका अकाउंट होता है बैंक में, जिसका खुद के नाम से बैंक में किसी अकाउंट होता है वो कस्टमर हो गया। तो कोई जॉब कर रहा है बैंक में एंड उसी बैंक में अगर किसी पर्सन ने अकाउंट ओपन करवाया तो जो वो ओपन करवाया जिसने अकाउंट वो कस्टमर होएगा, एंड जो वो जॉब कर रहा है वो पर्सन वो बैंकर होगा। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, पहले ये जान लीजिए कि बैंकर और जो कस्टमर होते हैं इन दोनों के बीच में आपस में एक बैंकिंग नेचर का रिलेशनशिप होता है। बैंकिंग नेचर कैसे, कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए एक ऐसा काम करेगा जो बैंकिंग से रिलेटेड हो, कि जो बैंकर है वो लोन प्रोवाइड करेगा कस्टमर को, या फिर उसके कहने पर किसी और को किसी और के अकाउंट में पैसे डलवाएगा, या फिर बिल भरेगा जो बैंकर है, या फिर चेक पास करेगा बैंकर के। तो ये सब होते हैं बैंकिंग नेचर के काम। तो रिलेशनशिप जो है बैंकर का और कस्टमर का कब स्टार्ट होता है, तभी स्टार्ट हो जाता है बैंकर जो कस्टमर का रिलेशनशिप, जब जो कस्टमर है वो अपना जो उस बैंकर के बैंक में अकाउंट खुलवाता है, तभी से जो उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। तो रिलेशनशिप को इनके हम दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, फर्स्ट इज़ जनरल एंड सेकंड इज़ स्पेशल। पहले हम बात करेंगे जनरल रिलेशनशिप्स के बारे में, सेकंड हम बात करेंगे स्पेशल रिलेशनशिप के बारे में। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल रिलेशनशिप। जनरल रिलेशनशिप में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, रिलेशनशिप ऑफ लेसर एंड लेसी, रिलेशनशिप ऑफ बेलर एंड बेली, एंड रिलेशनशिप ऑफ एडवाइजर एंड क्लाइंट। स्पेशल रिलेशनशिप में हम पढ़ेंगे ऑब्लिगेशन ऑफ ओनर चेक, सीक्रेसी ऑफ कस्टमर अकाउंट, बैंकर ऑब्लिगेशन टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट एंड कस्टमर इंस्ट्रक्शन। तो ये सारे हैं स्पेशल रिलेशनशिप, जो अब हम स्टार्ट करते हैं जनरल रिलेशनशिप से। पहला है रिलेशनशिप ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। क्रेडिटर वो होता है जो उधार पे पैसे देता है किसी पर्सन को, एंड जिस पर्सन को वो उधार पे दिए गए हैं पैसे वो डेटर होता है। तो जब जो कस्टमर है अपना अकाउंट खुलाता है किसी बैंक में एंड उस अकाउंट में क्रेडिट डलवाता है, मतलब अब उस अकाउंट में पैसे डलवाता है, फिर ये बोल लीजिए जो उसका अकाउंट है वो क्रेडिट बैलेंस वाला है, तो जो कस्टमर है वो क्रेडिटर बन जाएगा एंड जो बैंकर है वो डेटर बन जाएगा। तो इन दोनों का रिलेशनशिप हो जाएगा क्रेडिटर एंड डेटर का। पर दूसरा केस, अगर जो वही कस्टमर अगर या फिर कोई और भी कस्टमर बैंक से लोन लेता है, बैंकर से लोन लेता है, एडवांस लेता है, तो यहाँ जो बैंक है वो क्रेडिटर कहलाएगा एंड जो कस्टमर है वो डेटर कहलाएगा, क्योंकि यहाँ जो कस्टमर है उसने पैसे उधार पे लिए बैंक से, तो बैंक क्रेडिटर एंड जो कस्टमर है वो डेटर। दूसरा रिलेशनशिप है रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्टी एंड बेनिफिशरी। ट्रस्टी एंड बेनिफिशरी का रिलेशनशिप किस तरीके का होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे को कोई गुड्स देता है एंड जो जिसको गुड्स दिए गए हैं वो दूसरे पर्सन का, जिसने गुड्स दिए हैं उसका बेनिफिट करता है। तो ये होता है ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप। तो जब बैंकर एक्सेप्ट करता है सिक्योरिटीज या फिर कोई और डॉक्यूमेंट कस्टमर के, अपने कस्टमर ला के देता है लो सिक्योरिटी के रूप में गोल्ड लगा लीजिए या फिर अपने घर के कागज़ या फिर कोई और डॉक्यूमेंट बैंकर को लाके देता है, एंड वहीं बैंकर बेनिफिट करता है कस्टमर का कैसे, उसको मनी प्रोवाइड करके। तो इन दोनों का रिलेशनशिप बन जाता है ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी का। यहाँ बैंकर जो है ट्रस्टी बन जाता है एंड बेनिफिशियरी बन जाता है जो है कस्टमर। तीसरा रिलेशनशिप है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो इन प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप कैसे बनता है इनके बीच में, प्रिंसिपल पहले आप जान लीजिए कौन होता है, एजेंट कौन होता है। प्रिंसिपल वो जो काम करवाता है किसी पर्सन से, एंड जो पर्सन काम करता है वो एजेंट होता है उसका, प्रिंसिपल के कहने पे जो काम करे वो एजेंट। तो बैंक जो है यहाँ एजेंट होता है कैसे,
जब बैंक कस्टमर के कहने पर कस्टमर के बिल्स भरे, चेक की पेमेंट करे या फिर चेक कलेक्ट करे या फिर और भी बहुत सारे काम करे कस्टमर के कहने पर, तो यहाँ जो है बैंक या फिर बैंकर कस्टमर का एजेंट कहलाएगा। जैसे जो बैंक है या फिर बैंकर है वो इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं अपने कस्टमर्स के, या फिर मोबाइल रिचार्ज मंथली बेसिस पर उनको इंस्ट्रक्शन दे रखी होती है कि आपको करने हैं हमारे, तो यहाँ जो है बैंक जो बैंकर है वो एजेंट कहलाएगा एंड जो कस्टमर है यहाँ कस्टमर जो है प्रिंसिपल कहलाएगा। तो इस तरह इनका रिलेशनशिप बनता है प्रिंसिपल एंड एजेंट का। फोर्थ रिलेशनशिप आ गया रिलेशनशिप ऑफ लेसर एंड लेसी। जब जो कस्टमर है कस्टमर हायर करता है एक सेफ डिपॉजिट, मतलब कि एक लॉकर अपने सामान को रखने के लिए, अपने वैल्यूएबल सामान को रखने के लिए जब कस्टमर बैंक से एक लॉकर हायर करता है तो बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप बन जाता है लेसर एंड लेसी का। यहाँ लेसर कहलाएगा जो बैंक है वो, एंड जो हायर जिसने किया है लॉकर जो कस्टमर है वो कहलाएगा लेसी। इनको हम लाइसेंसर एंड लाइसेंसी भी बोलते हैं। जो बैंक को हम लाइसेंसर भी बोल सकते हैं जो लेसर है, एंड जो कस्टमर है उसको लाइसेंसी भी बोल सकते हैं जो कि लेसी है। तो ये हो गया रिलेशनशिप ऑफ लेसर एंड लेसी। सो अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए LLB स्टडी को और भी लॉ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। तो फिफ्थ है रिलेशनशिप ऑफ बेलर एंड बेली। तो बेलर एंड बेली का रिलेशनशिप कैसे होता है कस्टमर एंड बैंकर का? बेलर एंड बेली से पहले हमको पता होना चाहिए बेलमेंट क्या होता है। तो बेलमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके का। किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट? कि एक पर्सन बेलमेंट में एक पर्सन दूसरे पर्सन को डिलीवर करता है कोई गुड, एक पर्सन दूसरे पर्सन को डिलीवर कर रहा है कोई गुड्स को, एंड किस लिए? किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। एंड जब वो स्पेसिफिक पर्पस कंप्लीट हो जाता है तो वो गुड्स का रिटर्न आ जाता है, मतलब गुड वापस करने होते हैं जिसको वो डिलीवर किए गए हैं। सपोज़ मेरी वॉच ख़राब है एंड मैं ये हूँ एंड मेरी वॉच ख़राब है, मैंने क्या करा बी को जाकर अपनी वॉच ठीक करने के लिए दी एंड मैंने डिलीवरी करी अपने गुड्स की एंड उसने ठीक करके मेरे को वापस दे दी। जब वो पर्पस कंप्लीट हो गया जिस लिए मैंने उसको वॉच दी थी, पर्पस कंप्लीट हो गया एंड वो रिटर्न कर दी गई उसने, ये बेलमेंट है। तो जो पार्टी डिलीवर कर रही है गुड्स को, मैं अगर वॉच डिलीवर कर रहा हूँ तो मैं बेलर कहलाऊँगा, एंड जिसको मैंने वॉच डिलीवर करी है, जिसको प्रॉपर्टी या फिर कोई भी थिंग डिलीवर करी की जाती है वो बेली कहलाते हैं। तो जो कस्टमर एंड बैंकर का बेलर एंड बेली का रिलेशनशिप कैसे बना? जब कोई कस्टमर कोई अपना डॉक्यूमेंट, अपना कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट, अपनी कोई सील्ड बॉक्स जो बैंक को देता है सेफ कस्टडी के लिए कि इसको संभाल के रखिए, अपने लॉकर में संभाल के रखिए, तब जो कस्टमर ने डिलीवर कर दिए गुड्स, क्या पर्पज़ है उसका? कि वो सेफ रहे। तो यहाँ कस्टमर जो है बेलर कहलाएगा एंड जो बैंक है वो बेली बन जाएगा। जो बैंक है वो रिटर्न कर देगा आफ्टर सम टाइम जब बेली उसकी डिमांड करेगा, जो बेलर उसकी डिमांड करेगा, बेलर को जब लगता है कि हाँ अब मैं अपने घर में या फिर कहीं और रख सकता हूँ जो है इस प्रोडक्ट या फिर इस वैल्यूएबल सिक्योरिटी को या फिर इस सील्ड बॉक्स को, तो जब वो रिटर्न करेगा तो बेलमेंट यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, बेलमेंट का जो प्रोसेस है। तो इस तरह से बैंक जो है बेली एंड बैंक एंड जो कस्टमर है वो बेलर। तो अगला रिलेशन ये हो गया रिलेशनशिप ऑफ बेली एंड बेलर। अगला रिलेशनशिप ऑफ एडवाइज़र एंड क्लाइंट। एडवाइज़र एंड क्लाइंट का रिलेशनशिप, जब बैंक है कस्टमर को अपने एडवाइस देता है कि इस शेयर में इन्वेस्ट करो, इस सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर लो आप, ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, ये आपके लिए लॉस में होगा, आप इस जगह मत जाइए, तो इस तरीके से जो बैंकर है या फिर बैंक है एडवाइज़र का काम कर रहा है एंड जो कस्टमर है वो एक क्लाइंट बन जाता है जो कि बैंक का। तो ये हमारे जनरल रिलेशनशिप हो गए 6 के 6 एंड अब हम आते हैं स्पेशल रिलेशनशिप पे। बैंकर एंड कस्टमर के जो स्पेशल रिलेशनशिप हैं वो हैं ये। फर्स्ट, ऑब्लिगेशन टू ऑनर चेक।
ऑनर होता है एक्सेप्टेंस देना, कि बैंकर बैंकर की एक ऑब्लिगेशन होती है कि जो कस्टमर ने चेक दिया है उसको उसकी एक्सेप्टेंस ले। अगर जो चेक है बिल्कुल कंप्लीट है अपनी, कोई उसमें कोई गलतियां नहीं है, जैसे होना चाहिए चेक वैसे है, तो बैंकर की ड्यूटी बनती है कि उस चेक को ऑनर करे। अगर बैंक बिना किसी बात पे जानबूझकर या फिर रॉन्गफुली डिसऑनर करता है, जो चेक कंप्लीट है अपने पूरे एस्पेक्ट में पूरा कंप्लीट है, तो बैंक की लायबिलिटी वहाँ अराइज हो जाती है एंड कस्टमर को उसको कंपनसेशन देनी पड़ती है। एंड बैंक जो चेक है वो किस किस तरीके में फुलफिल होना चाहिए, कि पहले तो ए पा कि बैंक बैंक अकाउंट में कस्टमर के सफिशेंट फंड्स होने चाहिए। जो चेक है उसमें प्रॉपर डेट, नाम, सब कुछ, साइन सिग्नेचर वगैरह होने चाहिए। जो चेक है वो 90 डेज के विदिन, जब वो इशू है उसके विदिन जो है पेमेंट जो मतलब बैंक में चले जाना चाहिए जिसके नाम पर चेक इशू है। तीसरा चौथा है कि लीगल बार प्रिवेंट नहीं करना चाहिए, कोई होना चाहिए कि किसी चेक को रोके कोई लॉ इशू होने से। तो इस तरह से रिलेशनशिप बनता है बैंकर का और कस्टमर का, कि बैंकर ऑनर करे चेक्स को। दूसरा है कि ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकर टू मेंटेन सीक्रेसी, कि सीक्रेट रखे कस्टमर के अकाउंट को। अब कस्टमर के अकाउंट की जो डिटेल्स हैं वो किसी भी उसके फैमिली मेम्बर को, किसी बार किसी और किसी भी व्यक्ति को जो है बैंकर नहीं दे सकता। और इसमें दो एक्सेप्शन है, जब लॉ लॉ चाहे, मतलब लॉ मतलब कि लॉ चाहे उस डिस्क्लोजर को, लॉ मतलब कि कोई इनकम टैक्स अथॉरिटी हो सकती है, कोई कोर्ट हो सकता है, और भी बहुत सारे जो है प्रोविज़न है इससे रिलेटेड। और या फिर जब प्रैक्टिस उनकी जो बैंकर्स की प्रैक्टिस ऐसी हो जो इस चीज़ को परमिट करती हो। तीसरा है ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकर टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट, प्रॉपर अकाउंट या फिर रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर, कि जो कस्टमर है उसके प्रॉपर अकाउंट, कि क्या क्रेडिट हुआ, क्या डेबिट हुआ, क्या निकला बैंक के अकाउंट से एंड क्या आया, इस चीज़ की प्रॉपर डिटेल रखे बैंकर। चौथा है कि कस्टमर के इंस्ट्रक्शन को पूरी तरीके से फॉलो करे, ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकर टू फॉलो कस्टमर इंस्ट्रक्शन। कस्टमर ने जैसे बोला है बिल की पेमेंट कीजिए आप, मेरे LIC प्रीमियम जो इंश्योरेंस पॉलिसी है इसकी पेमेंट कीजिए, आप मुझे मैसेजेस के थ्रू बताया कीजिए कि क्रेडिट क्या हो रहा है, डेबिट क्या हो रहा है। तो इस तरीके से जो कस्टमर की इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी होती है बैंकर को। ये चार हमारे स्पेशल रिलेशनशिप भी अब ओवर हो गए। सो दैट वॉज इट। अब हमने पढ़ लिया स्पेशल रिलेशनशिप भी एंड जनरल रिलेशनशिप भी, बैंकर एंड कस्टमर का देख लिया हमने क्या रिलेशनशिप होता है। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कैसी लगी वीडियो, या फिर कोई और वीडियो आपको चाहिए तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हैं।